हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, कुछ नया अपने ओजन किचन की रसोई से आपकी रसोई तक के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है या मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो उसकी कदर जो है उतनी ही बढ़ जाती है। तो देखिए, ये है मैंगो, है ना, कितने बढ़िया तरीके से ये है मैंगो प्यूरी, छोटे कटे हुए पीस में मैंगो और बड़ी बड़ी पीस में कटे हुए भी मैंगो। अगर ये आपको 12 महीने ही मिल जाए खाने को तो कैसा रहेगा? कितने लोग हैं जो मैंगो लवर हैं मेरी तरह से, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मैंगो लवर हूँ। और जब ये मार्केट से जाने लगते हैं ना, तो बहुत मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है। कितने लोगों को आती है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग इतनी 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 चाहत से मैंगो को प्यार करते हैं मेरी तरह से। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपने लिए खूब सारे मैंगो है ना ऑफ सीजन के लिए प्रिजर्व किए हैं। लेकिन कैसे किए हैं, बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही जो इसके स्टेप है ना, वो बहुत ही सावधानी से अगर आप करेंगे ना, आराम से करेंगे ना, तो देखिए क्या है ना, जब किसी चीज़ की कदर है ना, मैंने जैसा कि पहले कहा कि उस चीज़ की कदर उतनी बढ़ जाती है जब वो चीज़ नहीं मिलती है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 7 kg मैंगो। देखिए, 10 किलो लाई थी और 2 दिन पहले लाई थी, और 2 से 2.5 किलो मैं खा चुकी हूँ। बाकी मैंगो को मैंने अच्छे से पकने के लिए रख दिया था। तो देखिए, यहाँ पर एकदम बढ़िया से पक चुके हैं। और मैं यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन नहीं देने वाली हूँ कि इस तरह के मैंगो ले लीजिए, ये वाले मैंगो ले लीजिए। आपके जो भी बजट में मैंगो आते हैं ना, आप हर मैंगो को इसी तरीके से, इसी स्टेप से पूरा वीडियो देखिएगा, और आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं 6 से 8 महीनों के लिए और भी लंबे समय के लिए, यानी कि जब तक नेक्स्ट सीजन आता ना, तब तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले मैंगो को वॉश करके इसको धो दिए हैं। मैंने इसको वॉश करके ही रखे थे, और कल नाइट में मैंने इसे फ्रिज में रखे थे, तो थोड़ी सी इस पर जो है फ्रिज की जो ओस होती है ना, वो थोड़ी सी आ गई है, तो मैं उसे फिर से क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए, ये जो मैंगो है ना, ना बहुत ज़्यादा पक चुके हैं और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा गले हुए मैंगो नहीं लेने हैं, और बिल्कुल ही कैरी स्टाइल के मैंगो आपको नहीं लेने हैं। तो बस थोड़े से पक जाएं और मीठे हो जाएं, और तब आप इसको प्रिजर्व करने के लिए ये रेडी है। यहाँ पर हमने सारे मैंगो जो है बिल्कुल कपड़े से साफ कर लिए हैं और ड्राई कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, तो अब हम करेंगे इसका जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है ऊपर से, उसे आपको इस तरह से निकाल देना है, और पिलर वाले नाइफ से, यानी कि जिससे हम आलू छीलते हैं छिलका उतारने के लिए, उस तरह के चाकू से या नॉर्मल चाकू से आप बहुत जो है पतला पतला इसका छिलका उतार दीजिए। मेरे हिसाब से ये पिलर वाला जो नाइफ होता है ना, इससे आपसे आराम से हो जाएगा। तो सारे मैंगो के जो है इस तरह से हमें एकदम साफ कर देने हैं, और इस तरह से पतले पतले छिलके इसको उतार के, और पूरे मैंगो जो है हम इस तरह से रख देंगे साइड में। और उसके बाद क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक, और देखिएगा इसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सी चीज़ काम आती है और किस तरह से हमें इसे प्रिजर्व करना है। लास्ट तक देखिएगा, कोई भी इमेजिनरी और 1-2 इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद में आप वीडियो को अगर फॉरवर्ड करेंगे या स्किप करेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि मैम हमारे मैंगो तो ख़राब हो गए। तो ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और इस तरह से देखिए, सारे मैंगो जो हैं हमें इस तरह से साफ कर देने हैं, बस पूरा ऊपर से ये हटा दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई बहुत महंगे वाले आम लेने हैं, ऐसा कुछ भी मैं आपको डेफिनेशन नहीं दूंगी। आपके जो भी बजट में मैंगो आते हैं ना, बस वो मैंगो ले लीजिए, और थोड़े से पके हुए मैंगो लीजिए, ना ज़्यादा कच्चे और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पके हुए, मीडियम साइज़ के पक जाएं, इस तरह से आप मैंगो ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने सारे मैंगो के छिलकों को इस तरह से उतार दिया है। तो चलिए, सारे मैंगो को मैं इस तरह से नीट एंड क्लीन करके रख लेती हूँ। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं तो इसे देखते ही मेरे मुँह में पानी आ जाता है, लार टपकने लगती है कि सारे मैंगो खा जाऊँ। तो जब तक मैं ये साफ कर लेती हूँ ना छिलके उतार के, तब तक आप ये चेक कर लीजिए कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। हाँ जी, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में ही देखिए बेल आइकॉन है, उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के वीडियो, हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी, सभी तरह की जो है ना, आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे दूसरे चैनल सोनू ओजन के टिप ट्रिक एंड ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे टिप, नई नई ट्रिक और कुछ जिंदगी के बारे में बातें करने के लिए। तो चलिए जल्दी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पर सारे मैंगोज़ को जो है ना इस तरह से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने सारे मैंगो के छिलके उतार के यहाँ रख दिए हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे अपन फॉलो करते हैं, और यहाँ मैं इसे थोड़ा सा खिसका देती हूँ और ले लेती हूँ एक बाउल इस तरह से। और अब आपको मुझे ये बताना है कि आप जो है
मैंगो को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं आने वाले दिनों में। देखिए मैं जो मैंगो के पीसेस करूँगी ना वो मैं करती हूँ, जैसे मैंगो रायता बना लिया या मैंगो का शेक बना लिया, तो उसके हिसाब से मैं इन चीज़ों को जो है, और या फिर कभी कभी मैंगो खाने का दिल किया तो उस हिसाब से मैं मैंगो के पीसेस करने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पहले छोटे छोटे पीस करने वाली हूँ। आप मैंगो को इस तरह से ले लीजिए और उस पर इस तरह से कट मार लीजिए। तो आप अपने हिसाब से आपको मैंगो किस तरह से जो है ऑफ सीजन में चाहिए, आप लोगों को क्या पसंद है, मैंगो रायता, मैंगो लस्सी, मैंगो शेक, मैंगो कुल्फी, तो उस हिसाब से जो भी आपको कन्विंस लगते हैं ना पीसेस, कितने पीसेस करने हैं और कितने बड़े और कितने छोटे करने हैं, तो उस हिसाब से आप जो है इसके पीसेस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंगो लेकर मैंने दोनों साइड से जो है इस तरह से स्क्वायर कट मार दिए और इस तरह से ले लिया, और जो गुठली के आसपास का मैंगो होता है ना वो मैंने एक बर्तन में रख लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंगो की प्यूरी को भी जो है प्रिजर्व करने वाली हूँ। तो इस तरह से बस आपको भी मैंगो लेना है और दोनों साइड से इस तरह से आप स्क्वायर कट मार दीजिए और आराम से एक तरफ पहले और फिर सेकंड तरफ, आपने देख लिया होगा अब तक मैंने 2 से 3 मैंगो आपको वीडियोस में दिखा दिए हैं इस तरह से कट मार के, और एक ही डायरेक्शन में आप दोनों साइड से इसके जो है स्क्वायर पीस को इस तरह से निकाल देंगे ना, तो ये देखिए बराबर के स्क्वायर पीस निकल आएंगे। और जो गुठली के आसपास का जो मैंगो पल्प होता है ना उसे मैं यहाँ नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं उसको करूँगी मैंगो प्यूरी में यूज़, और ताकि ये जो मैंगो के जो स्क्वायर कट है ना ये आराम से एकदम बढ़िया से एक साइज़ के हो जाए। तो वहाँ मैं इसी तरह से गुठली को मैंने अलग रख दिया है जिसके आसपास मैंगो पल्प काफ़ी है, लेकिन मैं उसे मैंगो प्यूरी बनाने में यूज़ करूँगी। और इस तरह की ट्रे और इस तरह की प्लेट जो है आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसमें हम प्रिजर्व करने के लिए एक स्टेप करने वाले हैं। तो खुला, अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इस तरह की प्लेट और इस तरह की जो मैंने ट्रे ली है ना उसी साइज़ के लिए जो कि आपके फ्रीज़र के अंदर आ सके। तो चलिए इस तरह से सारे मैंगो को मैंने कट कर लिया है स्क्वायर पीस में, एक बाउल में कट कर लिया है, और जो गुठली है और उसे हमने यहाँ पर साइड में रख दिया है ताकि मैंगो पल्प जो है उसको हम प्यूरी बनाने में काम में ले सकें। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हूँ और बार बार क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको इसमें देखना ज़्यादा है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से लिया और पूरे गुठली के साइड वाले पार्ट से मैंने मैंगो पल्प नहीं निकाला है। तो चलिए फटाफट से ये पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 बहुत ही ज़्यादा मीठे आम लग रहे हैं, उन्हें भी मैंने जिस जो गुठलियों के साथ में जो पल्प पड़ा है प्यूरी बनानी है उसके साथ मैंने अलग कर लिए हैं, और बाकी के मैंगो के मैंने इस तरह से पीस कर लिए हैं, और कुछ मैंगो को जो है मैंने इस तरह से लंबाई में लंबे लंबे पीस कर लिए हैं। आप जानते हैं कि ये लंबे लंबे जो पीस किए ना मैंने मैंगो के, वो किस लिए किए हैं, वो मेरा जब भी दिल करता है ना मैंगो खाने का तो मैं बस उसे इस तरह से डायरेक्ट ये लंबे वाले पीस को निकालूंगी फ्रीजर से और बस खा लूँगी। थोड़ा सा 1 मिनट में ये नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग साइज़ के मैंने इस तरह से मैंगो जो है कट कर लिए हैं, और बाकी के जो 2 मैंगो आपको दिख रहे हैं सामने परात के अंदर और गुठलियों के साथ में जो पल्प बचा हुआ है वो हम उसका बनाएंगे प्यूरी। और ये लंबाई वाले मैंगो को देखिए ना, मतलब मैंने इसे काटते काटते भी 1-2 खा लिए हैं। आई एम वेरी बिग लवर ऑफ मैंगोज। चलिए जल्दी से ये जितना भी पल्प है ना गुठलियों के दोनों साइड से और जो 2 मैंगो बहुत ज़्यादा मीठे लगे मुझे, इन सब का हम मिक्सी के जार में डालकर और इसका पल्प निकाल देंगे, पूरी इसकी प्यूरी बना देंगे। अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है, अच्छे से ज़्यादा देर तक मिक्सी में चला के मैंने यहाँ पर इसका जो है पूरा प्यूरी रेडी कर लिया है। लेकिन 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 अभी बहुत सारे स्टेप बाकी है, तो इस प्यूरी को हम स्टेन करेंगे यानी कि छान लेंगे एक छलनी से, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको प्यूरी तो बना दिया है लेकिन इसके अंदर कुछ रेशे जो होते हैं वो अभी भी निकल के आएंगे, और प्यूरी जो है ना बहुत ही स्मूथ जो है होनी चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए। तो इस तरह से मैं पूरी प्यूरी जो है मैंगो की इस तरह से हम उसे छान लेंगे, और छान के जो भी हमारी प्यूरी रेडी होगी ना बहुत ही स्मूथ एकदम रेडी होगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और ये जो छना हुआ जो पल्प निकलेगा ना इसे हमें फेंकना नहीं है, यहाँ तो आप इसे मिक्सी में फिर से चला लीजिएगा और फिर से छान लीजिएगा तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, पर मैं इसे डबल मिक्सी में मतलब वापस से इसको मिक्सी में नहीं चलाने वाली हूँ। तो इस तरह से प्यूरी को हम पूरा छान लेंगे और जो भी बचा हुआ ये रेशे वाला मैंगो पल्प निकल रहा है ना इसे मैं इसी तरह से डब्बे में रखने वाली हूँ, बस इसी तरह से प्रिजर्व करने वाली हूँ इसको भी, और
जो प्यूरी है उसे हमने इस तरह से पूरी तरह छान लिया है, और जो मैंगो पल्प निकला है छानने के बाद में उसे या तो आप ठंडा करके यूं ही खा लीजिए या मैंगो लस्सी बना के उसकी पी लीजिए। तो यहाँ देखिए स्क्वायर कट के अंदर मैंगो पीसेस रेडी हैं हमारी छन कर, और छानने के बाद में ये प्यूरी स्मूथ देखिए कितनी बढ़िया एकदम लग रही है ना मार्केट स्टाइल वाली प्यूरी, तो ये भी रेडी है। और थोड़े से मैंने लंबाई के साइज में जो मैंगो कट किए हैं वो भी रेडी है, और ये जो छानने के बाद में पल्प निकला है वो भी हमारा यहाँ पर हमने इसे डब्बे में इस तरह से रख लिया है। अब क्या करना है मेरे साथ हर स्टेप देखिएगा, ये अभी प्रिजर्व करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं, तो चलिए जल्दी से बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मैंगो प्रिजर्वेशन करने का। तो यहाँ पर आप सारे पीसेज जितने भी काटे हुए हैं उनको जो है आप शुगर से इस तरह कोटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने हर जो मैंगो पल्प के जो पीसेज हैं वो कोटिंग हो जाए इतनी मैंने शुगर का इस्तेमाल किया है। तो लगभग देखिए इस प्लेट में 2.5-3 चम्मच के आसपास टेबल स्पून जो है शुगर यूज़ हो चुकी है, और बस इस शुगर की कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि ये शुगर लेनी है या शक्कर को पीस लेना है या बारीक पाउडर बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं आपको। नॉर्मल घर की शुगर ले लीजिए और उसे इस तरह से मैंगो के पीसेस पर आप कोटिंग कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास में सैंडविच वाली प्लास्टिक कवर है, वो मेरे पास में ये फॉइल कवर है, तो मैं अपनी इस प्लेट को जो है फॉइल कवर के साथ में इसको इस तरह से कवर कर लूँगी अच्छी तरह से एयर निकालने के बाद में। और अगर आपके पास में ये दोनों ही नहीं है, ना आपके पास में फॉइल कवर है और ना आपके पास में प्लास्टिक शीट सैंडविच कवर करने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं है। घर में हालांकि प्लास्टिक की थैलियों पे बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी हमारे सबके घरों में कुछ कहीं ना कहीं प्लास्टिक थैली मिल जाती है, उसे कट कर लीजिए और उससे आप इसको जो है कवर कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर कट वाले जो मैंगो पीसेज है ना उसको भी, ये बाउल मेरा छोटा है तो इस तरह से मैंने इन्हें दो बाउल में कर लिया है। और बस देख आपने वीडियो के हिसाब से देख लिया होगा कि हर कटे हुए पीस मैंगो के ऊपर शुगर की कोटिंग हो जाए इतनी मैंने शुगर ली है। तो लगभग ये दोनों बाउल में मैंने यहाँ पर 8-9 टेबल स्पून जो है शुगर यूज़ कर ली है और अच्छे से कोटिंग कर ली है थोड़े थोड़े आम के पीसेस डालते हुए। और अब इसे जो है या तो टॉस कर लीजिए या स्पून की मदद से इसे अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए और हर मैंगो पल्प पे जो है हर मैंगो पीस पर शुगर की कोटिंग हो जाए इस तरह से कर लीजिए। तो दोनों ही बाउल में मैंने शुगर डाल दी है इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर दो ट्रे ली है और ये जितने भी स्क्वायर कट में मैंगो मैंने कट किए ना इस तरह से ट्रे में फैला दिए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको ऐसा कोई भी बर्तन लेना है, प्लेट्स ले लीजिए और कोई भी ऐसे खुला चौड़ा बर्तन ले लीजिए जो कि आपके फ्रीज़र में सेट हो सके। तो इस तरह से आपको मैंगो के स्क्वायर कट को मैंने जिस तरह से दो ट्रे ली हैं और ये दोनों मेरे फ्रीज़र में चली जाएंगी, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर इस तरह से फैला दूँगी और फैलाने के बाद में हमें इसे जो है फिर से कवर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है, तो दोनों ही ट्रेस को मैं फॉइल पेपर से कवर कर लूँगी। इससे पहले हम मैंगो प्यूरी जो है उसमें भी शुगर डाल देते हैं, लगभग 2-3 टेबल स्पून इसमें भी मैंने शुगर डालकर इस तरह से मिला दिया। इसमें भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको शुगर जो है पाउडर बना के डालनी है, नॉर्मल शुगर, रेनी सीजन चल रहा है, बहुत सारे घरों में बहुत सारी चाय बन रही होगी तो चाय में जो शुगर डालते हैं ना वही वाली शुगर है, नॉर्मल शुगर। और ये जो हमने छानने के बाद में जो हमारा मैंगो पल्प निकला था ना उसमें भी मैं शुगर डालना भूल गई थी, तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी 1 टेबल स्पून के आसपास शुगर डाल दी है। तो इसे मैं इसी तरह से बंद कर लूँगी और बाकी सब में भी जो है शुगर हमने मिक्स कर लिया और इस तरह से हमें इसे कवर करना है। और रेनी सीजन की बात हो रही थी तो बस मैंने इसलिए ये बात छेड़ी क्योंकि रेनी सीजन भयंकर आ चुका है और आम जो है जाने वाले हैं। फटाफट मार्केट जाइए और इस तरह से मैंगो को प्रिजर्व कर लीजिए अगर आप मैंगो लवर हैं। तो चलिए आगे जो बढ़ते हैं और अब इस प्यूरी को मैं किस तरह से प्रिजर्व करूंगी। तो आपके पास में इस तरह के मेडिकल बॉक्सेस जो होते हैं आजकल बहुत मार्केट में मिलते हैं, या नॉर्मली आइस ट्रे होती है ना बर्फ की, हमारे घर सबके घरों में होती है, तो इस तरह से आप इसमें इसको भर लीजिए। और अगर आपको बॉटल में मैंगो प्यूरी को प्रिजर्व करना है तो आप डायरेक्ट कांच की एक बोतल साफ एकदम ड्राई करके वो ले सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद में सभी को आपको फ्रिज में रखना है पूरी होल नाइट। ये देखिए ये मैंने मॉर्निंग में दोनों ट्रे जो और प्लेट और जो मैंगो प्यूरी के बर्फ की जो मैंने ट्रे सब पार्टीशन किए हुए मेडिकल बॉक्सेस में जो मैंने इस तरह डाल दी थी ना, ये देखिए पूरी रात रखने के बाद में मैंने इसे निकाल लिया है और मेरे हाथों की हालत ख़राब हो रही है, एकदम बहुत ठंडे और एकदम फ्रोजन हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, बस अब इन स्क्वायर कट वाले पीसेस को आप 1 मिनट के लिए रख दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे भी होते हैं और आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से अलग कर लीजिए इस तरह से। और ये देखिए ये भी पूरी तरह से फ्रोजन हो चुकी है, पूरी रात मैंने इसको
फ्रीजर के अंदर जमने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से ये जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फ्रोजन मैंगो हो चुके हैं अब, और बस डब्बे में भर लीजिए या जिपलॉक बैग में भर दीजिए, और बंद करने से पहले थोड़ी सी अंदाज से आधा एक टेबल स्पून शुगर आप इसके ऊपर और डाल दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी रात जो हमने इसके अंदर शुगर पहले से जो डाल के रखी थी ना, वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। कहीं पर भी आपको देखिए अब शुगर नहीं दिखाई दे रही है। अब हम इसे बंद करने से पहले थोड़ी सी शुगर और छिड़क देंगे, और इस तरह से मैंने तो यहाँ पर अपने जो सारे डब्बों में भर दिए हैं पीसेस, और मैंगो प्यूरी की ट्रे को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया था नॉर्मल होने के लिए, और बस से पीछे से थप थपाट दीजिए, सारे पीस निकल आएंगे ये देखिए। और अब शेक पीना हो, लस्सी पीनी हो, या कुछ भी मैंगो प्यूरी यूं ही खाने का मन करे, तो बस ऑफ सीजन में भी आप इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से दो या एक क्यूब जितनी भी आपको अपने शेक या मैंगो लस्सी में चाहिए डाल दीजिए, और फटाफट से बनाकर जब सभी लोग को जब मैंगो नहीं मिले ना, लेकिन आपके घर में आपको मैंगो मिलेंगे ना, तो उस समय इसका स्वाद लीजिए और मजे लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सारे पीसेस और मैंगो प्यूरी के जो पीसेस और स्क्वायर कट लंबाई में जो मैं इसी तरह से उठा के खाने वाली हूँ ऑफ सीजन में, तो ये सारे मैंने प्रिजर्व कर लिए हैं। अगर आपको भी जल्दी से इस तरह से स्टोर करने हैं ना आम, फटाफट से मार्केट जाइए इससे पहले कि सीजन खत्म हो जाए, और जल्दी से अपने घर में अपने घर के फ्रीजर के अंदर इसे प्रिजर्व कीजिए मेरे बताए हुए स्टेप के साथ में, और मजे लीजिए जब मैंगो मार्केट में नहीं मिले। तो वीडियो अगर पसंद आया है और ये तरीका अगर आपको पसंद आया है और इजी लगा हो, तो जल्दी से जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।